जब कभी कोई कहता है इंडियन कॉमिक्स तो सीधे दिमाग में आते हैं इंडियन कॉमिक्स के कुछ ऐसे नाम जो कि 20-20 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन जब बात आती है अमेरिकन कॉमिक्स लाइक मार्वल एंड डीसी और जापान की सुपर क्रेजी मांगास की, तो ना सिर्फ हमारी करंट इंडियन कॉमिक्स इतने सालों से वेल सिचुएटेड होने के बाद भी वर्ल्ड वाइड कॉमिक बुक से कम्पीट करने में पीछे रह जाती है, बल्कि आज के टाइम की मॉडर्न ऑडियंस को अपील तक नहीं कर पा रही है। मतलब यार, मेरी खुद की ऑसम ऑडियंस ने मजे वाले कमेंट से लेकर सुपर सीरियस ओपिनियंस को शेयर करके खुल के मुझे ये बताया कि आज के टाइम के हिसाब से इंडियन कॉमिक्स के अंदर क्या क्या कमियां हैं। और यार, अब इसीलिए मेरी बारी है कि मैं भी आपको खुल के और पूरे लॉजिक के साथ ये बताऊं कि सबसे पहले तो इंडियन कॉमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए आज के टाइम के हिसाब से क्या क्या चीजें करनी होंगी। और इसके साथ ही आज मैं आपको एक ऐसी नई और मॉडर्न इंडियन कॉमिक बुक के बारे में बताऊंगा जो कि फाइनली मार्वल एंड डीसी से लेकर जापानीज मांगास के ऑसम लेवल तक लगभग पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले, जैसे गोकू और सुपरमैन वेस्टर्न कॉमिक्स और जैपनीज मांगा के एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, बल्कि इन दोनों को देख के आज बहुत सारे बंदे जिम में जाके लोहा उठा रहे हैं। और जितने भी मेरे जिम वाले भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को जानते हैं यार कि पूरे हफ्ते प्रोटीन और कार्ब खाने के बाद चीट डे वाले दिन जब फास्ट फूड चलता है ना तो फीलिंग पहुंच जाती है आसमान पार। और ठीक इसी तरीके से, इससे पहले कि मैं आपको उस नई इंडियन कॉमिक के बारे में बताऊं या फिर मैं आपको इंडियन कॉमिक्स को इम्प्रूव करने के सॉल्यूशंस बताऊं, और ऑब्वियसली ये सारी बातें सुन के आपकी फीलिंग्स छत तोड़ के चांद पे चली जाए, भेवलेड की तरह 3-2-1 करके वीडियो की शुरुआत करते हैं उन प्रॉब्लम्स को समझने से जो इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री की चेस्ट पे 100 किलो की बारबेल बन के बैठी हैं। तो अब अगर हम लोग एकदम लॉजिक से बात करें ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में हमारे पास कभी भी कोई कॉमिक बुक्स नहीं रही है। मतलब यार, रियलिटी तो इतनी अपोजिट है ना कि एक टाइम तो हमारे देश में वो भी था जब ना सिर्फ किसी न्यूज़पेपर के अंदर एक पॉलिटिकल कार्टून से लेकर बॉलीवुड मूवीज के मेगा मूवी पोस्टर्स तक हर एक चीज एक कॉमिकल फॉर्मेट में हैंड पेंटेड होती थी। एंड जस्ट लाइक अमेरिका एंड जापान, इंडियन स्पेस में भी कई सारी कॉमिक बुक्स ऐसी थी जो कि छोटे बच्चों के चुटकुलों से लेकर सुपर सीरियस टॉपिक्स लाइक मर्डर, करप्शन, एक्शन एंड इवन एंटी हीरोज तक दिखाती थी। और आप शायद यार मानोगे नहीं, लेकिन एक टाइम तो वो भी था जब मैंने खुद अपने बचपन में ये सुना था यार कि फॉर एग्जांपल किसी XYZ न्यूज़पेपर के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर कार्टूनिस्ट की नीड है। एंड रियलिटी के अंदर ना सोचने वाली बात ये है कि मेथड्स भले ही इनके अलग थे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे कार्टूनिस्ट कॉमिक्स ही बनाते थे। लेकिन वही बात है यार, हमारे यहाँ पे ना कोई बंदा काम क्या करता है और उसके काम का नाम क्या है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड लेवल सोसाइटी। तो ऐसे में जब किसी पोस्ट का नाम ही कार्टूनिस्ट हो और ग्रैंड स्केल पे जब लोगों के हिसाब से कार्टून तो भाई साहब मतलब बच्चों की, तो बस फिर यार होना क्या था, मेरे हिसाब से सीन कुछ ये हुआ होगा ना कि उस टाइम पे धीरे धीरे इस पोस्ट के अराउंड एक सोशल माइंडसेट जुड़ता गया कि कार्टूनिस्ट तो भाई कार्टून्स बनाते हैं और कार्टून होती है बच्चों की चीज, और मैं हूँ भाई ऑफिस जाने वाला अडल्ट, मैं थोड़ी देखूंगा कार्टून, ये तो बच्चों की चीज है। और यार दैट्स हाउ फ्रेंकली मेरे हिसाब से ना हुआ कुछ ये होगा कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादातर आर्टिस्ट को जब एक्सपोजर एंड सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ लोग तो अपनी जॉब चेंज कर गए, और बचे कुछ लोग जो पीछे रह गए थे उनकी समझ में आ गया था कि बड़ी उम्र के लोग तो पढ़ेंगे नहीं, सो लेट्स स्टार्ट चेजिंग द किड्स। तो एक एक करके कई सारी कॉमिक बुक्स खड़ी हो गई और कॉमेडी से लेकर एक्शन तक इतने सारे जॉनर्स होने की वजह से ना सिर्फ ये इंडियन कॉमिक्स एक टाइम पे सुपर पॉपुलर होती थी, बल्कि इनको पढ़ने वालों की गिनती बच्चों से आगे बढ़ के एडल्ट्स तक में चली गई थी। एंड सारा सीन बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, कॉमिक इंडस्ट्री भले ही अनऑर्गेनाइज थी लेकिन सेल इनकी फिर भी खूब हो जाती थी। लेकिन फिर इसी बीच एंट्री होती है टेलीविजन और केबल टीवी की, और उसके साथ मैदान में उतरते हैं ड्रैगन बॉल, बेब्लेड और पोकेमॉन जैसे एनिमे, और उनके पीछे पीछे आते हैं सुपरमैन, बैटमैन, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल एंड कैप्टन प्लैनेट जैसे वेस्टर्न शोज। और जिसके बाद अब तक जो इंडियन कॉमिक्स बिना किसी रियल कंपटीशन के फल फूल रही थी उनकी टक्कर हो गई जापानीज एनिमे और वेस्टर्न कार्टून से। तो बस यार फिर होना क्या था, पढ़ने और देखने के बीच ना कई सारे मेजोरिटी ऑफ लोगों ने चुना देखने को, लेकिन अभी भी ना इंडियन कॉमिक्स ने अपने सारे के सारे रीडर्स नहीं खोए थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंडियन ऑडियंस वर्ल्ड वाइड फिक्शन को देखने और समझने लगी, क्योंकि अब उनके सामने था वेस्टर्न कॉमिक्स और जापानीज मांगा का अनलिमिटेड समंदर जहां पे जॉनर्स भी ज्यादा थे, आर्ट स्टाइल भी बेहतर था और स्टोरीज तो भाई साहब पूछो ही मत। और इसी बीच जो ऑडियंस इंडियन कॉमिक्स को पढ़ती थी उनको पढ़ने वाली ऑडियंस अब इवॉल्व कर गई, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन कॉमिक्स के मेकर्स इवॉल्व नहीं कर पाए। मतलब यार इतने सालों के बाद भी उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन्स इंप्रूव नहीं हुए और ना ही उनकी स्टोरीज के अंदर कोई बदलाव आया। मतलब यार हर एक चीज एक अनऑर्गेनाइज तरीके से एक के बाद एक फेल होती चली गई, और देखते ही देखते पूरी की पूरी इंडियन ऑडियंस में 3-4 जनरेशंस नहीं आ गई, और जिसकी वजह से आज का टाइम ये आ गया है जब नए वाली जनरेशन के बच्चों को बताना पड़ता है कि देखो यार ये अपने यहाँ भी कॉमिक बुक्स होती थी। तो अब इंडियन कॉमिक बुक्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या है ये तो यार हम लोग समझ गए, लेकिन अब सोल्यूशन का क्या करें। तो सोल्यूशन के लिए यार मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कि इंडियन कॉमिक्स को सच में एक स्ट्रॉन्ग रीस्टार्ट दे सकते हैं, और मुझे पता है कि इस वीडियो को कुछ कॉमिक कंपनीज वाले भी जरूर देखेंगे। तो सर या फिर मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो आपके जितने भी पुराने मेथड्स है ना आंख बंद करके आप उनको जाने दो, क्योंकि जो चीजें 90s में चलती थी होने ही नहीं वाला कि वही सेम चीजें 2023 में भी चलेंगी। उसके बाद जो करना है वो ये है कि अपने स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स को आज की ऑडियंस के हिसाब से रीडिजाइन करो, जिसके अंदर होगा कैरेक्टर्स का लुक, स्टोरी के अंदर उनकी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग मोटिवेशन एंड ओवरऑल अपने
कॉमिक्स की स्टोरी को दुनिया के हिसाब से बनाओ। अब देखो, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपनी इंडियन रूट्स को छोड़ दो, लेकिन यार ये बात भी सच है कि अगर आपको सच में एक वर्ल्ड वाइड स्टेज पे खड़ा होना है ना, तो मेन सोल्यूशन तो यार यही है कि गॉड्स एंड किंग्स की हिस्ट्री से आगे बढ़ के कुछ मॉडर्न एंड डाइवर्स बनाओ। और मॉडर्न करने के लिए भी ना सोल्यूशन असली में ये हो सकता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के गॉड्स एंड किंग्स की पावर्स, लाइफ के अंदर उनके आगे बढ़ने के रीजंस एंड टीचिंग्स को एज एन इंस्पिरेशन रखो, लेकिन अपने स्टोरी के कैरेक्टर्स एंड स्टोरी के डिजाइन को मॉडर्नाइज कर दो। नई वाली कॉमिक्स के अंदर आर्ट स्टाइल मॉडर्न एंड टीचिंग्स ट्रेडिशनल, यही एक सोल्यूशन है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जापानीज मांगा। तो ये सोल्यूशन तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा काम आएगा, लेकिन असली सोल्यूशन जो होगा ना यार, वो ये होगा कि आप इंडियन कॉमिक्स की रीस्टार्ट के लिए हार्ड कॉमिक से हटके डिजिटल कॉमिक फॉर्मेट को डेवलप करो, और डिजिटल भी वो वाला जो कि फोन पे चल सके, क्योंकि अपने यहाँ पे ना ज्यादातर लोगों के पास फोन ही है। और एट द एंड आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर होगी मार्केटिंग, तो उसके ऊपर यार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। पूरे के पूरे इंडिया में सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे और हर एक स्टेट के अंदर ना हर किसी को पता होना चाहिए कि अभी भी इंडियन कॉमिक्स मरे नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। और यार फाइनली मैं आपको एक ऐसी नई इंडियन कॉमिक के बारे में बताता हूँ जो कि ना सिर्फ ऑलरेडी इन सॉल्यूशंस के ऊपर आ चुकी है, बल्कि ऑलमोस्ट किसी जापानीज मांगा एंड वेस्टर्न कॉमिक बुक के लेवल के बहुत ही पास खड़ी है। तो जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं आपको मेरी इस बात का प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप इन तीनों कॉमिक पैनल्स को देखो, और एक बार वीडियो को स्टॉप करके इनके आर्ट स्टाइल, कलर थीम्स और पैनल प्लेसमेंट्स को ध्यान से देखो, और फिर अपने दिमाग में जरा याद करना कि पिछली बार आपने कब किसी इंडियन कॉमिक में ऐसा कुछ देखा था। तो इस कॉमिक बुक का नाम है फॉरबिडन वर्स, और सबसे क्रेजी चीज तो ये है कि इसकी पूरी की पूरी स्टोरी से लेकर इसका ये अमेजिंग आर्ट स्टाइल सब कुछ बिल्कुल 100% इंडियन मेड है। मतलब यार आप इस कॉमिक बुक के कवर पेज को देखो या फिर आप इसके इस कैरेक्टर विक्रा को देखो, फॉरबिडन वर्स के अंदर एक एक चीज अपने आप में कितनी ज्यादा फ्रेश नजर आती है। और अभी मैं आपको जरा इसकी छोटी सी स्टोरी समरी सुनाता हूँ। तो फॉरबिडन वर्स की कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहाँ पे द सेंटोर, वानर और लियो नाम के तीन क्लैंस हैं। अब वैसे तो इनके अंदर एक चौथा क्लैन भी है, लेकिन अभी के लिए वो जरा हिडन है। और सदियों से ये चारों क्लैन इनके होम वर्ल्ड के एंड में बने एक बड़े से गेटवे पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये गेटवे जिसके भी पास होगा वो पूरे के पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन अब किसी भी क्लैन के लिए गेटवे के ऊपर कब्जा करने का काम बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इस गेटवे को प्रोटेक्ट करते हैं 11 सुपर पावरफुल गार्डियंस, और कई सौ जनरेशन के बाद भी और कई सारे पावरफुल मेंबर्स को खोने के बाद भी कोई भी क्लैन इन गार्डियंस को आज तक भी हरा नहीं पाया। लेकिन अब स्टोरी के अंदर इसके आगे क्या होगा, ये आपको बहुत ही जल्द जानने को मिलेगा, क्योंकि इसी महीने 16th ऑफ जून को फॉरबिडन वर्स की सबसे पहली कॉमिक बुक लियो सिविल वॉर लॉन्च होने वाली है, जो कि एज अ रीडर आपको लियो क्लैन की पावरफुल कहानी का एक अमेजिंग इंट्रोडक्शन देगी। और अब यार यही टाइम है जब फाइनली हमारे सामने एक ऐसी इंडियन कॉमिक आ चुकी है जो कि स्टोरी से लेकर आर्ट स्टाइल तक ना सिर्फ 100% ओरिजिनल इंडियन है, बल्कि इसको बनाने वालों के विजन तक ये कॉमिक बुक एक तरीके से इंडियन कॉमिक्स का एक मॉडर्न फेज बनने का पूरा पोटेंशियल रखती है। लेकिन हमेशा की तरह आप फिर से वही बात है यार कि आज अगर फॉरबिडन वर्स को हमारा सपोर्ट नहीं मिला ना, तो हर बार की तरह ये लोग भी थोड़े बहुत टाइम तक तो टिकेंगे, लेकिन फिर एट द एंड ये खुद को बंद करके चले जाएंगे। तो इनको सपोर्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या आंदोलन नहीं करना है, आपको बस फॉरबिडन वर्स के इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और हो गया काम। और मैंने जब फॉरबिडन वर्स के फाउंडर एंड सीईओ से बात की, तो बातों बातों में ये भी सेट हो गया कि हिडन कैलिबर की ऑडियंस में से 5 ऑसम लकी लोग जो कि फॉरबिडन वर्स के इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, उनको मिलेंगे फॉरबिडन वर्स के सुपर एक्सक्लूसिव मर्च, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यार अब इंडियन कॉमिक बुक्स की सारी पावर आपके हाथ में है, फॉरबिडन वर्स के इंस्टाग्राम पे जाकर दिखा दो आज के हिडन कैलिबर की ऑडियंस सच में किसी क्वालिटी आर्टिस्ट को कितना ज्यादा पावरफुल सपोर्ट कर सकती है। और जाते जाते वीडियो के अंत में मैं क्लियर करना चाहूंगा यार कि इस वीडियो को फॉरबिडन वर्स ने स्पॉन्सर किया था, एंड हमेशा की तरह मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और सच बात तो यार ये है कि हर किसी को देखो पैसे तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने फॉरबिडन वर्स की स्पॉन्सरशिप सिर्फ इसीलिए की क्योंकि मुझे पर्सनली इसकी स्टोरी एंड इसका विजन दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, और मुझे लगता है कि इसको यार हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो यार अपना ऑसम सपोर्ट इनको जरूर दिखाना, और इस वीडियो के अंदर मेरे बताए सॉल्यूशंस पर अपने कमेंट जरूर करना। और इसी के साथ मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।